रोहित के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड, कप्तानी में हारे 2 आईसीसी ट्रॉफी, लगातार 9वें आईसीसी टूर्नामेंट में टीम इंडिया की हार, डब्ल्यूटीसी फाइनल में टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने दी शर्मनाक हार। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है, मैं शुभम। टीम इंडिया एक बार फिर से अपने नाम एक और शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज कर चुकी है। जी हां, डब्ल्यूटीसी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 200 से ज्यादा रनों से टीम इंडिया को मात दी है और इसके साथ ही आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना टीम इंडिया का पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। टीम इंडिया के फैंस उम्मीद लगाए बैठे कि रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया इस बार कम से कम एक आईसीसी ट्रॉफी जीतेगी। साल 2013 से चला आ रहा जो सूखा वो दूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरी बार टीम इंडिया ने एमएस धोनी की कप्तानी में आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद से टीम इंडिया एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। चाहे 2015 का वर्ल्ड कप रहा हो, उसके बाद कई सारे टी20 वर्ल्ड कप, पहली बार डब्ल्यूटीसी का फाइनल जब खेला गया, विराट की कप्तानी में टीम फाइनल खेलने पहुंची थी, वहां भी हार का सामना करना पड़ा। फिर टीम को एक नया कप्तान दिया गया, वो थे रोहित शर्मा। उम्मीद यही थी कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया आईसीसी की ट्रॉफियां जीतेगी, लेकिन रोहित शर्मा की कप्तानी में भी वही रहा, रिजल्ट नहीं बदला। इस बार रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी का फाइनल खेलने उतरी, यहां पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी मात का सामना करना पड़ा। अगर बात करें रोहित शर्मा की कप्तानी की, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में अब तक टीम इंडिया ने 2 आईसीसी टूर्नामेंट खेले हैं। जी हां, साल 2022 में टी20 वर्ल्ड कप, वहां पर टीम इंडिया इंग्लैंड से हार कर सेमीफाइनल से बाहर हो जाती है। वो हार भी बहुत बुरी हार थी, बहुत ही शर्मनाक हार थी। इसके बाद दोबारा टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचती है, जहां टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा। यहां पर टीम इंडिया का ना कोई बल्लेबाज चलता हुआ नजर आता है और ना ही कोई गेंदबाज कारगर नजर आता है और टीम इंडिया चारों खाने चित हो जाती है। 200 से ज्यादा रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। एक रिकॉर्ड टीम इंडिया ने और बना लिया है। जी हां, बैक टू बैक 9वीं बार टीम इंडिया आईसीसी की ट्रॉफी हारी है। साल 2013 में टीम इंडिया आखिरी बार ये कारनामा किया था जब एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद हार का सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं लिया। 2015 का वर्ल्ड कप हो या फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी या फिर टी20 वर्ल्ड कप, बहुत सारे जो खेले गए वो सभी मिला दिए जाए तो कुल 9 आईसीसी ट्रॉफियां अब तक टीम इंडिया हार चुकी है। उम्मीद थी कि इस बार जीतेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब अगली बार टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2023 खेलेगी, जो अक्टूबर महीने में खेला जाना है और इसका आयोजन इंडिया में होना है। तो उम्मीद करिए टीम इंडिया के धुरंधर कम से कम एक टूर्नामेंट तो जिता सके, वरना इन्हें यही कहा जाएगा कि ये खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ आईपीएल के शेर हैं। जब इनका नंबर आता है आईसीसी ट्रॉफी जीते, तो कहीं ना कहीं वहां ये पूरी तरह से फ्लॉप नजर आते हैं। तो सवाल यही है, क्या टीम इंडिया इस बार वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।